अब अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का मनोरंजन किया है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन ने अपने शानदार 50 साल के फिल्मी सफर के दौरान काफी नाम और शोहरत कमाया। वैसे देखा जाए अमिताभ बच्चन ने यह रुतबा इतनी आसानी से नहीं कमाया, इसके पीछे उनकी सालों की संघर्ष भी रही है। अमिताभ जब नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो उनका कोई भी माई बाप इंडस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखता था, भले ही उनका परिवार गांधी परिवार के साथ रसूख रखता था, लेकिन सबके बावजूद मेहनत और काबिलियत के दम पर उन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उम्र के बढ़ते पड़ाव में भी अमिताभ बच्चन के स्टारडम में कोई भी कमी नहीं देखने को मिली है और अभी भी वो फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। सक्रिय रहते हुए आने वाले समय में वो तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं। लेकिन बात करें अमिताभ बच्चन की तो अमिताभ बच्चन की संघर्षों की कहानी किसी से छुपी नहीं है। लेकिन इस दौरान उनके कई सारे दोस्त भी बने तो कई सारे ऐसे भी दुश्मन बने जो आज भी अमिताभ बच्चन को बिल्कुल भी देखना नहीं पसंद करते हैं। अब अमिताभ बच्चन की बात करें तो अमिताभ बच्चन का कई सारे अभिनेताओं के साथ लगाव रहा है और अपने साथी कलाकारों की वो हमेशा से ही इज्जत करना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। लेकिन बात करें वही दूसरी ओर अमिताभ बच्चन की दुश्मनों की तो उनके दुश्मनों की भी लिस्ट बिल्कुल भी छोटी नहीं है। और उनके सबसे बड़े दुश्मन की बात करें तो ये भी बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं और इनका नाम है नसीरुद्दीन शाह। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नसीरुद्दीन शाह हमेशा से ही अपने कमेंट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं। वो देश और दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों पर इस समय काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी भी करते रहते हैं, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी छा जाते हैं। लेकिन बात करें अमिताभ बच्चन के साथ इनके रिश्ते की तो भले ही ये इंडस्ट्री से काफ़ी समय से एक्टिव रहें लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने कभी भी फिल्मों में काम नहीं किया और इसके पीछे का कारण भी है। नसीरुद्दीन शाह की बात करें तो ये इंडस्ट्री में नए नए जब आए थे तो उन्होंने भी अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया था। और अमिताभ बच्चन के साथ अगर इनके फिल्मों की बात करें तो हीरो हीरालाल और जलवा जैसी वो फिल्में रहीं जिन फिल्मों में अमिताभ बच्चन के थोड़े बहुत कैमियो अपीयरेंस देखने को मिले, लेकिन फुल फ्लैश में अमिताभ बच्चन और नसीरुद्दीन शाह कभी किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए और इसके पीछे का कारण अमिताभ बच्चन का बढ़ता हुआ रुतबा था। यहाँ आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन जब अपने करियर के पीक पर थे तो उनके साथी कलाकार उनके साथ काम करने से डरते थे। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि बॉलीवुड के जाने माने खलनायकों में से एक डैनी डेंजोंगपा का भी यही हाल था और यहाँ तक उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ करीब 15 सालों तक काम तक नहीं किया था। ये पूछे जाने पर कि वो अमिताभ बच्चन के साथ काम क्यों नहीं कर रहे तो इस बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैं अमिताभ बच्चन के साथ किसी भी फिल्म का हिस्सा बन जाता हूँ तो सारी लाइमलाइट वो ले जाते हैं और मुझे फिल्म में खास करने के लिए कुछ मिलता नहीं है। और यही डर कई सारे स्टार्स के साथ भी देखने को मिला। मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त जैसे दिग्गज कलाकार भी अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से डरते थे। यहाँ तक कि श्रीदेवी ने भी खुदा गवाह में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से मना कर दिया था, लेकिन डायरेक्टर्स के बार बार मनाने पर श्रीदेवी अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए हामी भर चुकी थी। लेकिन बात करें नसीरुद्दीन शाह की तो नसीरुद्दीन शाह इसी बात से डरते थे, लेकिन इसका उन्होंने कुछ और ही मतलब निकाला। अमिताभ बच्चन के साथ नसीरुद्दीन शाह की जलन का अंदाजा आप इस कदर भी लगा सकते हैं कि अमिताभ बच्चन की सुपर डुपर हिट फिल्म शोले का उन्होंने मजाक तक उड़ा दिया था और कहा था कि अमिताभ बच्चन की शोले कुछ खास फिल्म नहीं थी। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय फिल्म इतिहास में अमिताभ बच्चन की शोले फिल्म एक बेहतरीन फिल्म मानी जाती है, लेकिन नसीरुद्दीन शाह का मानना है कि अमिताभ की यह फिल्म कोई महान फिल्म नहीं है और इस फिल्म को महान मानने से उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया था और कहा था कि अमिताभ ने कोई महान फिल्म नहीं बनाई है। दरअसल हुआ यूं कि नसीरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान अमिताभ बच्चन की फिल्म शोले की तुलना साधु और शैतान से करते हुए कहा था कि शोले कोई महान फिल्म नहीं थी बल्कि साधु और शैतान की तरह एक फिल्म थी। नसीरुद्दीन शाह ने यहां पर अमिताभ पर टिप्पणी करते हुए इस बात की भी जानकारी दी थी कि उन्होंने कोई ग्रेट फिल्म नहीं बनाई, शोले को मैं ग्रेट फिल्म नहीं मानता हूँ, मजेदार जरूर है लेकिन महान फिल्म किसी भी एंगल से वो नहीं है। अब अमिताभ बच्चन को लेकर नसीरुद्दीन शाह की यह कड़वाहट यहीं नहीं रुकती है। आगे नसीरुद्दीन शाह कहते हैं कि मजेदार फिल्म तो थीफ ऑफ बगदाद भी थी, साधु और शैतान भी मजेदार फिल्म थी। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वो अमिताभ को एक महान कलाकार नहीं मानते तो इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, मैं मानता हूं लेकिन जैसा कि एक्टिंग के एक महान शख्स ने कहा था कि एक्टर का टैलेंट इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस तरह की फिल्मों का चुनाव करता है। अमिताभ ग्रेट एक्टर है इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन वो महान नहीं है। तो इस तरह अभी समझ सकते हैं कि नसीरुद्दीन शाह के ये बोल उस समय काफी ज्यादा अमिताभ के लिए कड़वाहट भरे थे। लेकिन बात करें नसीरुद्दीन शाह की तो ये अपनी बेबाकी के चलते कई बार विवादों में भी आ चुके हैं और यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि नसीरुद्दीन शाह ने एक बार देश के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को लेकर एक बेतुका बयान दे दिया था। पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की एक्टिंग को लेकर नसीरुद्दीन शाह का मानना था कि वो घटिया एक्टर थे। नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि राजेश खन्ना को लोग भगवान
मानते हैं, लेकिन उन्होंने सिनेमा में नयापन लाने के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि उनके समय भारतीय सिनेमा मध्यम दर्जे का हो चला था। और नसीरुद्दीन शाह के इस टिप्पणी पर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था। यहाँ इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि राजेश खन्ना की पत्नी डिम्पल और उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना ने इस बात पर निंदा जाहिर करते हुए कहा था कि आप जिंदा लोगों की इज्जत नहीं कर सकते, तो मरे हुए लोगों की तो इज्जत करना सीखिए। हालांकि मामला बढ़ता देख नसीरुद्दीन शाह ने बाद में माफी मांग ली थी। तो ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि नसीरुद्दीन शाह अपने साथी कलाकारों के साथ किस हिसाब से रवैया रखना पसंद करते हैं, और अमिताभ बच्चन से लेकर देश के सबसे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को लेकर उनकी क्या सोच थी। वैसे देखा जाए तो नसीरुद्दीन शाह हमेशा से ही बॉलीवुड और तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से बयानबाजी करते ही रहते हैं, जिसके चलते वो कई बार विवादों में भी आ चुके हैं।